मेरा नाम सिद्धि जैन, मैं श्री ज्ञान संस्कार वाटिका शांतिनगर पुणे से। आज मैं आपको जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में बताने जा रही हूँ। जैन धर्म में तीर्थंकर उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की हो। कहा जाता है कि 21 तीर्थंकरों को कार्योत्सर्ग मुद्रा में मोक्ष प्राप्त हुआ। ऋषभदेव भगवान, निमिनाथ भगवान और महावीर स्वामी, पद्मासन, कमल सियासन पर मोक्ष प्राप्त हुआ। अभी मैं आपको 24 तीर्थंकर के बारे में अवलंचन बोलने वाली हूँ। पहला श्री ऋषभदेव जी, उनका लंचन बैल। बीजा श्री अजितनाथ जी, उनका लंचन हाथी। तीजा श्री संभवनाथ जी, उनका लंचन घोड़ा। चौथा श्री अभिनंदन स्वामी जी, उनका लंचन बंदर। पांचवा श्री सुमतीनाथ जी, उनका लंचन कंच पक्षी। छठा श्री पद्म प्रभु स्वामी जी, उनका लंचन पद्म कमल। सातवा श्री सुपासनाथ जी, उनका लंचन स्वस्तिक। आठवा श्री चंद्र प्रभु स्वामी जी, उनका लंचन चंद्र। नवमा श्री सुवेदीनाथ जी, उनका लंचन मगरमच्छ। दसवा श्री शीतलनाथ जी, उनका लंचन श्रीवत्स। ग्यारहवा श्री सियासनाथ जी, उनका लंचन गेंडा। बारहवा श्री वासुपूज्य स्वामी जी, उनका लंचन भैंस। तेरहवा श्री विमलनाथ जी, उनका लंचन वराह। चौदहवा श्री अनंतनाथ जी, उनका लंचन बाजपक्षी। पंद्रहवा श्री धर्मनाथ जी, उनका लंचन वज्र। सोलहवा श्री शांतिनाथ जी, उनका लंचन मग्ग। सत्रहवा श्री कुंतुनाथ जी, उनका लंचन बकरा। अठारहवा श्री अनाथ जी, उनका लंचन नंदावर। इक्कीसवा श्री नमीन। उन्नीसवा श्री मल्लीनाथ जी, उनका लंचन कलश। बीसवा श्री मुनीश्वर स्वामी जी, उनका लंचन कछुआ। इक्कीसवा श्री नमीनाथ जी, उनका लंचन नीलकमल। बाईसवा श्री नेमीनाथ जी, उनका लंचन शंख। तेईसवा श्री पार्श्वनाथ जी, उनका लंचन सर्प। चौबीसवा श्री महावीर स्वामी जी, उनका लंचन सिंह। अभी मैं आपको छोटी सी स्तुति बोलने वाली हूँ, जिसमें भगवान 24 तीर्थंकर भगवान के नाम एव वर्ण बताए गए। पद्म प्रभु ने वासु पूजा दोए राता कहिए। पद्म प्रभु और वासु पूजा का वर्ण है लाल। चंद्र प्रभु ने सुविधिनाथ दोए उज्जवल लइए। चंद्र प्रभु और सुविधिनाथ भगवान का सफेद कलर, सफेद वर्ण है। मल्लीनाथ ने पार्श्वनाथ दोई नीला निर्खया। मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ भगवान का वर्ण है नीला। मुनीश्वरत ने नेमीनाथ दोई अंजन सर क्या। मुनीश्वरत और नेमीनाथ दोनों अंजन सर क्या। दोई अंजन सर क्या। चौबीस दिन कंचन समय, सोलह दिन कंचन समय, मतलब सोलह तीर्थंकर जो भी है उनका वर्ण है कंचन। सोलह जिन एवा जिन चौबीस धीर विमल पंडित तनो ज्ञान विमल कर शिष्य। ज्ञान विमल कर शिष्य। जय जिनेन्द्र।